बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। रऊफ अज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्ता बवक्ता मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, ओमान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो केसेस की तादाद है वो हाई चल रही है। आज फिर ओमान के अंदर जो केसेस की तादाद है उसके अंदर खासा इजाफा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 641 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब 641 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 110,594 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह से मजीद रिकवरीज भी आई है। आप लोग देख सकते हैं 96,400 पर्सन की जो ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 13 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और ये 13 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,114 पर्सन की जो है डेथ होगी। आप लोग देख सकते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो अभी भी ओमान के अंदर आ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है हर बंदे के लिए, बेशक वो ओमानी हो खारजी हो, वो यही है कि मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करते रहे, तो को बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें। अपने आप को इस वायरस से बचाइए और दूसरों को ये वायरस होने से बचाइए। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।